नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल की दौरा बाजू में स्थित बेगा होटल में आयुष्मान कार्ड धारी को फर्जी तरीके से भर्ती कर करोड़ों की बिलिंग किए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम के छापे के बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक को फर्जीवाड़े में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। जहाँ इसमें सिद्धार्थ बहुगुणन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में रेड की थी, जिसमें जांच में सामने आया कि अस्पताल के बाजू में बने होटल वेगा में बिना परमिशन के मरीजों को भर्ती किया गया है। जांच में उजागर हुआ कि सभी मरीज आयुष्मान कार्ड धारित थे, जिन्हें किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारियां नहीं थी। मरीजों को रुपये का लालच देकर उन्हें भर्ती कर आयुष्मान कार्ड योजना के तहत बिलिंग की जा रही थी, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल बेगा को सील करते हुए सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के लाइसेंस को निरस्त करते हुए फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है। विभिन्न धाराओं के तहत डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर मामले की जाँच में लिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, इसमें बताना चाहूँगा कि कल इवनिंग में थाना लॉर्डगंज में 420, 419, 467, 68, 474 और के तहत थाना लॉर्डगंज में जो संचालक हैं और जो संचालक उनके पति हैं, दोनों की के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। सर, जांच पे क्या पाया था? अभी जैसे कि जांच हमको स्वास्थ्य विभाग से मिली है, उसमें कुछ ऐसा पाया गया था कि वहाँ पर कुछ संदेहास्पद तरीके से कुछ मरीज जो है, जो होटल बेगा है, जो कि उनके अस्पताल से, जो सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल से लगा हुआ है, वहाँ पे अनाधिकृत रूप से उनको रखा हुआ था। अनाधिकृत का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रथम दृष्टया ऐसा था कि वो आयुष्मान कार्डधारी जरूर थे, लेकिन उनको बीमारी नहीं थी जिसका कि उनका इलाज कराया जा रहा था और जिसका उनकी बिलिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़ा जैसा इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है और जैसे कि मैंने बताया, दो आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। सर, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ डॉक्टर है जो शहर के, वो वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर भी इलाज किया गया था। अब वो ये जांच का विषय है, अभी हम खुद भी जांच करेंगे, स्वास्थ्य विभाग भी मेरे मतानुसार अलग उनकी इंक्वायरी चल भी रही है और तो उसमें ये चीज़ बिंदु अगर आएगा तो फिर विधिवत कार्रवाई होगी। जी सर, कहा जा रहा था कि जब आप लोगों ने अरेस्टिंग की है उसके पहले जो है वो तैयारी थी शहर से बाहर जाने की डॉक्टर? अब चूंकि हमने पकड़ लिया, अरेस्ट हो गए, तो अब ये कहना अब बड़ा मुश्किल है कि वो भाग जाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।